8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you also have done your chapter number first complete. Now student, today let we start our next chapter, linear equation in one variable. This is the name of your chapter, linear equation in one variable. Before starting the exercise, we do some basic points about the chapter. Like that, student, your first basic point is an equation. An equation, kya hoti hai ek equation? An equation is a segment of equality of two algebraic expression involving one or more unknown quantities called variable. Second point is linear equation. An equation having highest power of variable as one is called linear equation. Linear equation in one variable. A linear equation having only one variable is called linear equation in one variable. It stands from is ax plus b is equal to 0, where a is not equal to 0 and where x is a variable. This is the example of equation. Equation hoti hai hamari is form mein. 2x square plus 3 is equal to 8. Ya phir 3x minus y is equal to y plus 7. Ye hoti hai is tarah ki hamari equation. Linear equation hoti hai jo kiske equal show ho hamari 0 ke equal shuru ho. Aur linear equation in one variable kya hongi? Jiske andar sirf aur sirf x ki baat ki gayi ho aur equal matlab x ki baat ho ya y ki baat ho, alag alag values nahi hoengi jaise hamari yahan x aur y thi, like that. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू हो जाएगी, जैसे 4x इज इक्वल टू 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 10 और हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. इस तरह से ये क्या होएंगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट है पॉइंट नंबर फोर्थ, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. सॉल्यूशन करते हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक द इक्वेशन इज ट्रू. वो वैल्यू, वो वेरिएबल, देखो अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वेरिएबल्स पता होना चाहिए. वेरिएबल जो हैं वो हमारे ए बी सी, मतलब जो ए बी सी एक्स वाई जेड ये फॉर्म होएगी वो होंगे हमारे वेरिएबल. और कांस्टेंट होते हैं हमारे 1, 2, 3 जो हमारी न्यूमेरिक फॉर्म में होंगे. सो इक्वेशन इज ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और ए रूट ऑफ इक्वेशन. नेक्स्ट है रूल ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के रूल्स. वाइल सॉल्विंग एन इक्वेशन, जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वी कैन एड द सेम नंबर ऑन बोथ साइड. हम क्या करते हैं, दोनों साइड सेम नंबर ऐड करते हैं ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन के. सेकेंड पॉइंट जो है, सब्ट्रैक्ट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड. हम जो दोनों साइड से नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी क्या करेंगे, सेम नंबर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑफ द इक्वेशन. मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी हम सेम नंबर से. इसी तरह से डिवाइड दोनों साइड करते हैं वो भी हम क्या करेंगे, सेम नॉन जीरो नंबर से. टर्म्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड, मतलब शिफ्टेड बिटवीन आइदर साइड इक्वलिटी सिंबल, लाइक दैट इक्वल विद चेंज इन द साइन ऑफ ट्रांसपोर्टेड टर्म. इफ ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू पी बाई क्यू, देन वी डू बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई विद दिस इक्वेशन एंड पी मल्टीप्लाई विद दिस इक्वेशन. देन क्यू इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू पी इंटू सी एक्स प्लस डी. दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. मीन्स टू से देखो, अगर हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी है, सपोज करो कि हमें दे दिया एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू 9, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करने के, यहाँ हमारे पास 7 है ना, पॉजिटिव 7 है, तो हम दोनों साइड से, ये देखो ये मेथड हम लोगों ने 6th में किया था, इसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर भी हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो वैल्यू यहाँ क्या बच गया, यहाँ सिर्फ x बच गया 7 में से, 7 आउट हुए 0 और 9 में, ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है. इसी तरह से हम सेम नंबर जब ऐड करना होगा तो सेम नंबर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना होगा सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टी एंड डिवाइड वी डू सेम. और ट्रांसपोर्टेड की बात आ जाती है, तो वो अब हम जो हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, जो हमारी इक्वेशंस हैं ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं वो अब करके दिखाएंगे.
दिस इज अवर एक्सरसाइज 2.1। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। स्टूडेंट ये मैंने अच्छे से नोटबुक पे लिख रखे हैं तो मैं आपको वहाँ से दिखाती हूँ। आई होप अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक द स्टेटमेंट ट्रू इज कॉल्ड, उसको क्या बोला जाता है, उसको सॉल्यूशन बोला जाता है, किसका, ऑफ द इक्वेशन। इन अ लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल इज वन, तो हाईएस्ट पावर क्या होती है उसकी, वन। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x-5 इज इक्वल टू 1/2। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करके दिखाएंगे, 4x है तो 4x को इक्वल से इधर रख लेंगे और 5 को इक्वल से उधर ले जाएंगे, 1/2। 5 इधर माइनस का है तो इक्वल से उधर जाके प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो 2 और यहाँ 1 रह जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, तो ये हो गया हमारा 11/2। बट 4 इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इक्वल से उधर जाएगा तो हमारा डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो 11 and 2 4 जा 8, सो 11/8 हो जाएगा। एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ वन सोल्यूशन। जो भी लीनियर इक्वेशन होएगी वन वेरिएबल की, उसका क्या, कितने सोल्यूशन होएंगे, वन सोल्यूशन होएगा। द टर्म ऑफ इक्वेशन कैन बी, जो टर्म ऑफ इक्वेशन है कैन बी ट्रांसपोज टू अदर साइड बाई चेंजिंग इट्स साइन। मीन्स टू से अगर हमारी कोई भी वैल्यू है, जैसे एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 2 है, तो ये जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे इस वैल्यू को, क्योंकि हमें वेरिएबल एक साइड रखने हैं और कॉन्स्टेंट एक साइड रखने हैं, तो 7 को जब इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो वो हमारे साइन चेंज कर देगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। मल्टी है, अगर मान लो यहाँ हमें 2x दे रखा है, इक्वल से उधर जाएगा तो ये हमारी डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, और अगर इधर हमारा x बाई 2 है तो उधर जाके मल्टी फॉर्म में चला जाएगा। नेक्स्ट है, वी कैन डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय द सेम नंबर। जब भी हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड इक्वेशन से तो वो हमारे पास क्या होगा, सेम नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट है, नाउ लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। व्हाट वैल्यू दे गिव यू, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्या दी गई है, 3 into y-2/3 इज इक्वल टू 4, और y के पहले इस पे हमें क्या पुट करना है, 2 वैल्यू पुट करनी है। तो देखो नाउ प्लेस ऑफ y वी पुट 2, सो हेयर वी राइट 3 into 2-2/3 एंड दैट इज इक्वल टू 4। हेयर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, हेयर फ्रैक्शन फॉर्म एंड हेयर सिंपल नंबर, सो वी राइट अप्लाई इन फ्रैक्शन फॉर्म। सो 3 into 3 के साथ डायरेक्ट ब्रैकेट है, दैट मीन्स हेयर नो साइन, सो दैट देयर विल बी मल्टीप्लाई साइन। सो 2/1, व्हेन वी टेक द एलसीएम मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर टू डेनोमिनेटर, 3 1 जा 3, आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई 2 with 3 and 2 with 1, एंड जो सिंबल हमारा बिटवीन में है वो हम सेम सिंबल यहाँ राइट कर देंगे, और इक्वल से उधर हमारा नंबर है 4, तो हमने वो राइट कर दिया। सो 3 multiply 2 3 जा 6 -2 1 जा 2/3 1 जा 3 इज इक्वल टू 4। सो 3 से 3 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 2 आउट हुए, सो 4। अब हमारी क्या है, ये वैल्यू सेम आ गई, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो ये मीन्स टू से जो y इज इक्वल टू 2 है ये हमारा क्या है, वेरीफाइड है। यही हमें क्या करना था, वेरीफाइड करना था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, जो हमारा पार्ट नंबर सेकंड है, क्या दिया गया है, 2 into t + 5/4 इज इक्वल टू 1/2 into 7 - 5/2 एंड हेयर t वैल्यू इज 1। सो प्लेस ऑफ t वी अप्लाई द वैल्यू 1, सो 2 into 1 + 5/4 इज इक्वल टू 1/2 into, कैन वी राइट हेयर 7/1, यस लाइक दैट। सो हेयर वी अप्लाई 1/1, 2 into, हेयर वी टेक द एलसीएम 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 एंड 5 1 जा 5, प्लस सिंबल है तो प्लस सिंबल। स्टूडेंट ये आपको डीपली मुझे समझाने की नीड नहीं है, क्योंकि हम ये चीज़ें पिछले 3-4 साल से पढ़ते आ रहे हैं, क्या फ्रैक्शन को ऐड करना या सब्ट्रैक करना, मल्टी डिवाइड। सो इस टाइम आप क्या करेंगे, इसको फटाफट से करेंगे, 1/2 into, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 एंड -5 1 जा 5, 2 into 4 and 5 9, 9/4, 1/2 and 14 में से 5 आउट हुए तो
नाइन, नाइन बाय टू। अब क्या करेंगे हम, टू से टू वन जा, टू टू जा, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, टू से फोर को कैंसिल कर दिया, नाइन बाई टू इज इक्वल टू नाइन एंड टू टू जा फोर। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट वेरीफाइड। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट में कैसे करना है, वैल्यू क्या दी गई है हमें, वैल्यू दी है थ्री एक्स माइनस टू, थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाय थ्री प्लस फोर एक्स अपॉन में नाइन इज इक्वल टू टू इंटू टू बाय नाइन, एंड वेयर एक्स वैल्यू क्या दे रखी है, टू। तो जहाँ पे भी हमारा एक्स है हम वहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, हम वहाँ पे वैल्यू टू पुट कर देंगे। सो थ्री इंटू टू इस तरह लिख दें, माइनस में टू है अपॉन में थ्री, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से टू आउट हुए, कितना बच गया हमारे पास, फोर बाय थ्री। तो पहले हमने इसको ही सोल्व कर लिया है, देन प्लस फोर इंटू टू, फोर टू जा एट, सो हमने यहाँ लिख दिया एट बाय नाइन। ओके, और इधर सोल्व करेंगे, नाइन टू जा एटीन, एटीन एंड टू ट्वेंटी, ट्वेंटी अपॉन नाइन, ट्वेंटी अपॉन नाइन, ट्वेंटी अपॉन नाइन। When here we take the LCM, जब हम यहाँ LCM लेंगे तो greater value देखेंगे, greater value 9 है, ठीक है, 3 जो है, 3 की table में 9 आता है, yes आता है, तो 9 हमारा LCM हो जाएगा। 4 same लिख देंगे हम, 3 की table में कितने पे आता है 9, 3 जा पे आता है, तो 3 की multiply कर देंगे इसके साथ, और 8 9 की table में 1 जा पे आता है, so, तो value क्या हो जाएगी, 4 3 जा 12 अपो एंड 8 1 जा 8 इज इक्वल टू 20 बाई 9, 8 12 एंड 8 कितना होता है, वो भी 20 होता है, तो ये क्या है, सो क्या आ जाएगा, 20 बाई 9 इज इक्वल टू 20 बाई 9, और दोनों वैल्यू इक्वल आ गई हैं, दैट्स मीन्स ये क्या है हमारी, वेरीफाइड। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर टू कम्प्लीट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, येस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 बाई 8 माइनस 7 एक्स इज इक्वल टू 9। ये वैल्यू दे रखी है, हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो जो हमारी वेरिएबल वाली टर्म है उसको इक्वल से इधर रख लेंगे, बाकी को उठा के उधर ले जाएंगे, ये वैल्यू दे रखी है। अब 15 बाई 8 के साथ यहाँ कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स ये पॉजिटिव की है, और जब ये इक्वल से उधर जाएगी तो ये हमारी नेगेटिव में हो जाएगी, इसको हम 9 बाई 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 1 जा 8 और देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 8 जा माइनस 15 1 जा, ठीक है, तो 9 8 जा 72 माइनस 15 1 जा 15, और 72 में से जब हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 57 वैल्यू आ जाएगी, सो 57 अपॉन में 8, लेकिन इधर कितना है, माइनस 7 एक्स, ये तो हमारा साथ ही साथ चल रहा है ना, माइनस सेवन एक्स। अब यहाँ तक हमने निकाल लिया है, अब माइनस सेवन एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इक्वल से उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइड में हो जाएगा ना, तो माइनस सेवन, ठीक है, एट पहले से ही था, माइनस सेवन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 57 है एंड 8 7 जा माइनस 56, दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट सम इज एक्स प्लस बाई थ्री प्लस वन, एक्स बाई थ्री प्लस वन इज इक्वल टू सेवन बाई 15। तो देखो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे, एक्स बाई थ्री को अब इक्वल से इधर रखे रहेंगे और सेवन बाई 15 दे रखा है, वन को उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा वन बाय वन। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो 15 वन जा 15 देन क्रॉस मल्टीप्लाई, सेवन वन जा सेवन एंड देन 15 वन जा 15, और यहाँ क्या था हमारा, एक्स बाई 3 ही था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, x बाई 3 सेम। अब 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास माइनस 8 वैल्यू आ गई, अपॉन में कितना था 15, अब 3 इधर डिवीजन फॉर्म में है और जब इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा ना, वो 8 बाई 15 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 5 जा, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस 8 बाई 5, और जो माइनस 8 बाई 5 आया है वो क्या है हमारी, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, 2x माइनस 3 माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको कैसे करेंगे, 2x माइनस 3 देन माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। फर्स्टली ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम,
टू एक्स माइनस थ्री, देन माइनस फोर एक्स, अगेन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसी तरह हमने इक्वेशन चेंज कर ली, सॉरी ब्रैकेट ओपन कर ली, तो एक्स वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, टू एक्स पॉजिटिव है, माइनस फोर एक्स, तो फोर में से टू आउट हुए टू, माइनस के टू एक्स बच गए, माइनस थ्री और माइनस फाइव क्या हो जाता है, माइनस एट हो जाएगा। माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एट को उठा के उधर लेके जाते हैं तो प्लस एट, इलेवन वैल्यू हो गई। माइनस टू इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है और इक्वल से उधर जाके डिवाइड में, बस यही तो हमारा आंसर है। ये क्या आ गया स्टूडेंट, हमारा आंसर आ गया है माइनस इलेवन बाय टू। नेक्स्ट है आवर क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर सिक्स में, थ्री टी माइनस टू अपॉन में सिक्स प्लस में टू टी प्लस थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू सेवन बाय सिक्स। अब क्या करेंगे इस सम में, हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी टेक द एलसीएम। एलसीएम हम किसका लेंगे, इन दोनों वैल्यूज का, तो एलसीएम आ गया हमारा सिक्स। ठीक है, अब सिक्स आ गया है तो थ्री टी माइनस टू, ये तो सिक्स हमारा सेम ही रह गया, प्लस में ये वैल्यू कम थी ना, टू की टेबल में सिक्स आता है थ्री जा पे, और टू टी प्लस हम थ्री सेम राइट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से रह गया हमारा थ्री टी माइनस टू प्लस में, ओपन करेंगे थ्री टू जा सिक्स टी एंड थ्री थ्री जा नाइन, सेवन सिक्स इधर डिवाइड में है, इक्वल से उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और सिक्स से सिक्स वन जा पे कैंसिल हो जाएगा, थ्री टी और सिक्सटी होता है हमारा नाइन्टी, नाइन में से टू आउट हुए प्लस के सेवन, और इधर है हमारा सेवन, सो नाइन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेवन को उधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और सेवन में से सेवन आउट हुए ज़ीरो, देन टी की वैल्यू नाइन इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में उधर गया तो डिवाइड में, और टी ज़ीरो अपॉन नाइन होता है हमारा ज़ीरो के इक्वल, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी ज़ीरो। नाउ आवर नेक्स्ट सम इज 0.16 इंटू फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 5.6, तो इसको कैसे करेंगे हम, 0.16 फाइव एक्स माइनस टू देन इक्वल टू 5.6, इस वैल्यू की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो 16 फाइव जा कितना हो जाता है हमारा 80 हो जाता है, तो 0.80x आ गया, माइनस 16 टू जा 32, 0.32 इज इक्वल टू 5.6, एक्स को उठा के इक्वल से उधर लेके जाएंगे, ये 0.80x रह गया, 5.6 में से अगर हम प्लस हो जाएगा ये 0.32 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5.92 वैल्यू आ गई है, और x ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना इसके साथ, और इक्वल से उधर जाके हमारा डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू होगी हमारी 590 अपॉन में 80, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो है हमारी वैल्यू कैंसिल होएगी, हम इसको कैंसिल कर लेते हैं 8 पे, 8 10 जा 8 7 जा एंड 8 4 जा 74 बाय 10, मीन्स टू से एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 74, ये 8 7 जा देन 8 4 जा 74 बाय 10 आ गई है, तो 74 बाय 10 को हम 7.4 राइट कर देंगे। नेक्स्ट सम विल बी, क्या वैल्यू दे रखी है, 3/7x, 3/7 प्लस में x इज इक्वल टू 17/7, तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी हमारी, 3/7 को इक्वल से उधर ले जाएंगे, 17/7 दे रखा है, ये माइनस में हो जाएगी, और 7 जब सेम डेनोमिनेटर होता है तो एलसीएम वह नंबर हो जाता है, और ऊपर अगर डिफरेंस है तो उसका डिफरेंस कर देंगे, और एडिशन है तो एडिशन कर देंगे, सो 17 में से 3 आउट हुए 14/7, 7 1 जा 7 2 जा, सो हेयर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई है। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 9th, क्या वैल्यू दी गई है, 1.6 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 1.5, इस तरह वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे 1.5 को उठा के इक्वल से इधर ले आएंगे तो ये इधर डिवीजन फॉर्म में है, इधर आके मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा, और इधर रह गया हमारा 2 माइनस वाई, हम पहले 16 की 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो होती है हमारी 240, अब पॉइंट के बाद एक वर्ड यहाँ आएंगे, 2 वर्ड हो गए तो 2.40 हो गया, और इधर है 2 माइनस वाई, तो माइनस वाई इधर छोड़ देंगे और 2 को उठा के इक्वल से इधर लेके आएंगे तो ये हमारी माइनस में हो जाएगी, तो इसको हम 2.00 लिख लें, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा ना, तो वैल्यू क्या हो जाए, 2 में से 2 आउट हुए 0, तो 0.40 वैल्यू आ गई है यहाँ से माइनस वाई की, माइनस वाई की वैल्यू इतनी है,
तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.40। हम इसको -0.4 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू हम शो नहीं करते, मेंशन नहीं होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10th क्या दिया गया है? देखो स्टूडेंट, हमने इतने सम कर दिए हैं, अब एक सम तो आपका भी करना बनता है। इस सम को आपको खुद से ट्राई करना है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हिंट में क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × y-1 -3 × y-2। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके, और कुछ इस तरह से हमारा सोल्व होएगा ये। तो हमें इस सम को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, इस सम को आप लोगों को सॉल्व करके दिखाना है। आई होप स्टूडेंट यू ऑल अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सो यू डू दिस सम इन योर फेयर नोटबुक ऑफ मैथ्स विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।